Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Surat School Rewari PGT Political Science. Student, हम history का fourth chapter read कर रहे थे, the making of global world, कि जिसमें हमने globalization के regarding पढ़ा था कि किस तरह से globalization हुआ और किस तरह से globalization होने से world पर इसका impact हुआ, किस तरह से countries एक दूसरे के close आई, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के ऊपर अपना control करना start किया, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे थे. हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरह से बीमारियों को फैलाया गया था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उन पर अपना कंट्रोल करने के लिए. फिर हमने इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ा था कि इंडिया से कैसे जो लेबर्स थे उनको वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में ले जाया गया. और अब इंडिया के जो ये आप एंटरप्रेन्योर्स थे, जो पूंजीपति थे, उन लोगों ने भी अब वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में जाकर वहाँ के लोगों को पैसा देना स्टार्ट किया था. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम. कि देखिए इंडियन ट्रेड किस तरह से अफेक्ट हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश के दौरान. देखिए हिस्टोरिकली फाइन कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप. कि देखो इंडिया में कॉटन काफ़ी अच्छी होती थी और उसे वर्ल्ड के यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भेजा जाता था विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. लेकिन इंडस्ट्रीज के आने से क्या हुआ, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रीज प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इम्पोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज. अब पहले ब्रिटेन वगैरह में इंडिया से कॉटन जाता था, अब वहाँ पर जब इंडस्ट्रीज़ आ गई तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने सरकार पर प्रेशर बनाया कि भाई अब जो बाहर से हमारे यहाँ पर जो कॉटन आ रहा है उसको रोका जाए ताकि यहाँ के जो लोकल वो हैं बिजनेसमैन से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. अब इसके लिए क्या किया, उन्होंने टैरिफ्स वर इम्पोज ऑन क्लॉथ इम्पोर्ट इन टू ब्रिटेन. कि ब्रिटेन में जो इंडिया से सामान आता था उस पर उन्होंने टैक्सेस लगा दिया जिससे कि उनकी कॉस्ट बढ़ गई. कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ द फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन. अब क्या हुआ कि इंडिया से जो कॉटन जाता था वो धीरे धीरे अब कम हो गया था उसका जाना. फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट फॉर देयर क्लॉथ. कि ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ब्रिटिश में वहाँ पर ब्रिटेन में जो इस तरह के क्लोथ्स वगैरह बनाए थे, उन्होंने देखा कि भाई अब वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में भी वो अपने आप को अपने सामान को भेजना स्टार्ट करें. एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स. अब उन्होंने जनरली ब्रिटिश ने अपने जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको ख़त्म कर दिया जिससे कि इंडियन जो टेक्सटाइल था उसको वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में भी कंपटीशन फेस करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश वहाँ पर जा रहे थे. और देखो इंडियन और ब्रिटिश में क्या था कि इंडियन जो प्रोडक्ट होते थे उनकी कॉस्ट थोड़ा हाई होती थी और ब्रिटिश की मैन्युफैक्चर्ड होते थे उनकी लो कॉस्ट होती थी. इफ़ यू लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, आप देखिए एक्सपोर्ट का फिगर देखिए इंडिया से, कि वी सी ए स्टडी डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ कॉमन कॉटन टेक्सटाइल. कि कॉटन टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिक्लाइन हो गया था इंडिया का, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था. देखिए पहले ये 1800 में ये 30% होता था और जो कि 1815 में ये कितना परसेंट आ गया, 15%, और 1817 तक ये आकर 3% पे रुक गया. यानी कि अब इंडिया से जो कॉटन वगैरह पहले बाहर जाता था अब वो बिल्कुल ही जाना लगभग बंद हो गया. वट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट, द फिगर अगेन टेल इट डेमोक्रेटिक स्टोरी. कि भाई अब भारत ने फिर किन चीज़ों का निर्यात किया जब ये चीज़ें तो बंद हो गई थी. वाइल एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर डिक्लाइन रैपिडली. कि देखिए जो मैन्युफैक्चर का एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हुआ एक्सपोर्ट ऑफ, लेकिन देखो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स तो वहाँ पर अब इंडिया से एक्सपोर्ट होना कम हो गया, लेकिन रॉ मटेरियल अब यहाँ से ज़्यादा जाने लगा. रॉ मेटेरियल कि देखो पहले क्या था कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी तो यहाँ से ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जाते थे, लेकिन अब वहाँ पर इंडस्ट्रीज आ गई तो अब उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, अब उन्हें रॉ मेटेरियल चाहिए. अब रॉ मेटेरियल चाहिए तो उन्होंने यहाँ से रॉ मेटेरियल को ले जाना शुरू किया. देखिए पहले 5% रॉ मेटेरियल जाता था, अब ये बढ़कर कितना हो गया था, 35%. इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लॉथ वॉज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर फॉर मैनी डिकेट्स. की नील की खेती होती थी, उसको जनरली जो ये होता था आपका कपड़ों को डाई करने के लिए उसको काफ़ी किया जाता था. एंड एज यू हैव रीड लास्ट ईयर ओपियम शिपमेंट्स टू चाइना ग्रो रैपिडली फ्रॉम द 1820 टू बिकेम
1822 बिकेम फॉर ए वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, कि 1820 में कि चीन में बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा था, और उस समय तक भारतीय जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था उसमें इसका इंडिया का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा रहा था, क्योंकि इंडिया में भी यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि जो ओपियम की एग्रीकल्चर होने लग गई थी। ब्रिटेन ग्रो ओपियम इन इंडिया, ब्रिटेन ने इंडिया में ओपियम को ग्रो किया, अफीम को, एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना, और इसे चाइना में एक्सपोर्ट किया। विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल, और इससे जो भी उन्हें मनी आता था, पैसा आता था, इट फाइनेंस्ड इट्स टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और इसे इस पर किस पर टी और दूसरे जो इम्पोर्ट होते चाइना उस पर इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट, कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने पूरी तरह से इंडियन मार्केट पर अपना एक कंट्रोल कर लिया था। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, कि भारत से ब्रिटेन और विश्व में दूसरे विश्व के उसमें भेजे जाने वाला जो प्रोडक्ट था वो उसकी बजाय अब कच्चे माल में जो होता था ना रॉ मटेरियल उसमें ज़्यादा वो बढ़ गया था, एक्सपोर्ट उसका बढ़ गया था। बट द वैल्यू ऑफ क्लॉथ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, कि ब्रिटेन से जो सामान यहाँ आता था उसकी कॉस्ट यहाँ से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाता था उससे काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में आप कह सकते हो कि इंडिया में सामान आ रहा था, इंडिया से वहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में जा रहा था। दस ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, अब ब्रिटेन को इसका एक फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज, अब इंडिया से जो इनकम होती थी उसको ब्रिटेन ने कैसे यूज़ किया कि दूसरे कंट्रीज़ में उसको नुकसान हो रहा था तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वो यहाँ से इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। दैट इज़ विद कंट्रीज़ फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इम्पोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग टू, दूसरे कंट्रीज़ में इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा था वहाँ पर बेचने की बजाय, जबकि इंडिया में बेच ज़्यादा रहा था और यहाँ से इम्पोर्ट कम कर रहा था। दिस इज़ हाउ ए मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क, इट अलाउ वन कंट्री डेफिसिट विद अदर कंट्रीज टू बी सेटल्ड बाई इट्स सरप्लस विद ए थर्ड कंट्री, देखो एक कंट्री से नुकसान हो रहा है और उसकी भरपाई जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो दूसरे देशों से होने वाला जो भी एक बिजनेस है उससे उसको पूरा कर रहा है। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट इंडिया प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी, और 19th सेंचुरी में जो ब्रिटेन का जो घाटा बढ़ता जा रहा था इंडिया ने उसे एक बैलेंस करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, कि कहने का मतलब एक सिंपल सा बात करें कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को बचाने में इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहा, क्योंकि इंडिया से ब्रिटिश को अर्निंग बहुत ज़्यादा होती थी और दूसरे कंट्री से ब्रिटिश को नुकसान हो रहा था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इंडिया उसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा था। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया हैड ऑल्सो हेल्प्ड प्ले द सो कॉल्ड होम चार्जेस, कि ब्रिटेन से जो व्यापार होता था उससे जो उनको चार्जेस मिलते थे उसे जनरली वो होम चार्जेस का निपटारा होता था, यानी कि जो उनके देशी खर्चे होते थे ना जो लोकल खर्चे उनका वो होता था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया, अब देखिए कि इससे जो भी इनको अर्निंग होती थी उससे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और जो ट्रेडर्स वगैरह थे उनके घर जो निजी रकम जो भेजी जाती थी पैसा जो भेजा जाता था भारतीय जो कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको पेंशन मिलती थी जो इंडिया में पहले काम कर चुके थे उनको, तो इंडिया से ही उनका जो पैसा वगैरह जाता था वो सारा इंडिया से ही जाता था। कहने का मतलब एक ये है कि ब्रिटेन ने इंडिया को काफ़ी अच्छी तरीके से अपना यूज़ किया है, कि वहाँ के रिसोर्सेज का आप कह सकते हो इंडिया के रिसोर्सेज का, यहाँ की इकोनॉमी यहाँ से जो अर्निंग हो रही थी उसको बहुत ही अलग तरीके से यूज़ किया और अपना खर्चा कम करने में हेल्प की। ओके स्टूडेंट्स।